हेलो, मेरा नाम प्रांजल और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट के बारे में। एक्चुअल में ये जो सीरीज है, यानी कि जो पार्ट चल रहा है, ये प्रीवियस पार्ट का एक सेकंड पार्ट है जो कि हमारा आर्मेचर रिएक्शन था। आर्मेचर रिएक्शन मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से आर्मेचर रिएक्शन होता है और कैसे आर्मेचर का जो फ्लक्स था उसने फील्ड फ्लक्स को खराब करा, डिस्टॉर्ट करा, और उसकी वजह से कैसे फील्ड फ्लक्स जो था, जो ट्रेपेज़ॉइडल वेव होती थी या कह सकते हैं स्टेप वेव फॉर्म की तरह होता था, वो शिफ्ट होके एक अलग ही शेप में बन गया था। क्योंकि जब हमने आर्मेचर फ्लक्स यानी कि एक ट्रायंगुलर वेव फॉर्म को जब मैंने उसके साथ मैच कराया था, ऐड कराया था फील्ड फ्लक्स के साथ, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जो नेट फ्लक्स था वो डिस्टर्ब हो गया था। ठीक, तो ये अब वो कैसे डिस्टर्ब हुआ और किस से पार्ट्स में बना, इन सब चीज़ों को हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। जल्दी से देख लेते हैं इसमें क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। सबसे पहले कि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट क्या होता है, सेकेंड चीज़ कैसे ये हमारे ऑपरेशन ऑफ डीसी मशीन को अफेक्ट करता है कि एक डीसी मशीन तुम्हारी क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट के कारण किस तरीके से उसके बिहेवियर में चेंज आता है, ये इस लेक्चर में देखने को मिलेगा। थर्ड चीज़ कि कैसे ये MNA यानी कि मैग्नेट न्यूट्रल एक्सिस और फ्लक्स ऑफ पोल्स यानी कि पोल का जो फ्लक्स है उसको खराब या अफेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में देखेंगे। इसके ऊपर MNA से रिलेटेड मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी एक या दो लेक्चर बना रखे हैं जिसमें एक MNA और GNA के बारे में बताया था। एक था कि ब्रश पे जो स्पार्किंग होती है वो क्यों होती है, ये सब चीज़ें मैंने बता रखी हैं ब्रश के प्लेसमेंट के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट को जरा समझ लेते हैं। तो देखो, पुराने लेक्चर अगर आपने देखा है इससे प्रीवियस लेक्चर आर्मेचर रिएक्शन का, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आर्मेचर रिएक्शन होता है, आर्मेचर रिएक्शन वो बेसिकली मैंने उसे दो पार्ट्स में तोड़ा था। एक उसमें से था जो आर्मेचर रिएक्शन था उसको दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। एक है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, और एक है डी मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। ठीक है, डी मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। इस लेक्चर में मैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन पे पूरा तरीके से फोकस करूंगा। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा यानी कि अपकमिंग लेक्चर में, उसके ऊपर मैं डी मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट के ऊपर बनाऊंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट को, जो कि हमारा टॉपिक है इस लेक्चर का, उसको डिस्कस कर लेता हूं। तो देखो, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट का क्या मतलब होता है। हमने देखा था कि मेरे पास एक नॉर्थ पोल था, एक साउथ पोल था, और यहाँ पे रोटर था, और रोटर के आर्मेचर में जैसे ही मैंने करंट को फ्लो कराया था, यानी कि इस तरीके से मान लेते हैं कंडक्टर्स हैं, और मैंने IF को भी ऑन कर दिया और IA को भी ऑन कर दिया। दोनों जब करंट को ऑन करा तो नॉर्थ फील्ड करंट के ऑन होने से नॉर्थ एंड साउथ पोल आ गया, और आर्मेचर करंट के ऑन होने से यहाँ पे क्रॉस मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, यहाँ क्रॉस और हाफ साइड में डॉट आ गया। तो ये क्या हुआ था, इस तरीके से जब भी सिस्टम था तो हमने ये चीज़ देखी थी, जो नेट हमने इफेक्ट देखा था। और मान के चलते हैं कि ये अगर रोटर जो तुम्हारा इस तरीके से रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस एंड डॉट बन गए थे। देन तो अब फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ा था, तो जो पहले फ्लक्स यानी कि पहले प्रीवियस कंडीशन में नॉर्थ से साउथ फ्लक्स सीधे सीधे चला जा रहा था, वो अब इस तरीके से सीधे ना जाके कुछ इस तरीके से मूव करके साउथ में एंटर कर रहा था। ये जो इफेक्ट था यानी कि ये जो डिस्टॉर्शन हुआ या कह सकते हैं ये जो डिस्टरबेंस हुआ, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। ठीक है, तो शिफ्ट, ये जो शिफ्ट हुआ या कह सकते हैं फ्लक्स डिस्टॉर्शन, वर्ड इंपॉर्टेंट है, फ्लक्स का डिस्टॉर्ट होना फील्ड फ्लक्स का, ठीक है, या फील्ड फ्लक्स का, ठीक है, जो फील्ड फ्लक्स पहले सीधे जा रहा था वो अब सीधे ना जाके कुछ इस तरीके से जाने लगेगा खराब होके, यानी कि उसकी शेप बिगड़ जाएगी जो पहले सीधे सीधे जा रहा था। तो इस तरीके का डिस्टॉर्ट होना फील्ड फ्लक्स का, या कह सकते हैं शिफ्ट होना फील्ड फ्लक्स का। देखो, पहले सीधे जा रहा था, अब इधर की तरफ यहाँ से ऊपर शिफ्ट कर गया और यहाँ से नीचे शिफ्ट कर गया, तो ये शिफ्ट होना फील्ड फ्लक्स का, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। ठीक है, आयु समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। ओके, चलो मान लेते हैं हमने फील्ड फ्लक्स को शिफ्ट कर लिया। अब लेकिन उसके शिफ्टिंग की वजह से MNA एक्सिस पे क्या असर पड़ा, तो जरा इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं मेरे पास ये नॉर्थ पोल है। अच्छा, MNA के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होती है। इसकी दो चार चीज़ें मैं आपसे रिवाइज करा देता हूँ आपको, कि मैंने इसके ऊपर बकायदा एक लेक्चर बनाया हुआ है तो आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं हल्का सा एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ। MNA बेसिकली जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होती है वो पॉइंट होता है जहाँ पे फील्ड फ्लक्स जो होता है, जो उसके परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है, उसे हम लोग मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। ठीक, फील्ड फ्लक्स मतलब नॉर्थ से साउथ, तो नॉर्थ से साउथ जो टोटल फ्लक्स जा रहा है वो जिस एक्सिस को जा रहा है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस 90 डिग्री पे जो एक्सिस ड्रॉ करते हैं वो MNA होती है। अगर न्यूट्रल कंडीशन है या कह सकते हैं कोई भी फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स एकदम सीधा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, तो MNA तुम्हारी GNA को फॉलो करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, MNA और GNA क्या होंगे, एक ही एक्सिस पे होंगे। GNA होता है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस होती है, ये दोनों की दोनों एक्सिस जो होंगी एक ही एक्सिस से पास होंगी। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई डिस्टरबेंस आ जाता है, यानी कि फील्ड फ्लक्स सीधा ना जाके अगर फील्ड फ्लक्स डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये MNA जो होती है वो शिफ्ट हो जाती है इधर या इधर, जिस भी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर। MNA की जो शिफ्टिंग है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है फील्ड फ्लक्स किस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है। ठीक, तो उसी को हम लोग देखते हैं। हमने देखा कि फील्ड फ्लक्स कैसे शिफ्ट हो रहा है, तो उसका रीजन मैंने तुम्हें बताया, आर्मेचर रिएक्शन से फील्ड फ्लक्स शिफ्ट हो रहा है। तो फील्ड फ्लक्स शिफ्ट होने से
मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कितनी शिफ्ट हो रही है, किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है, ये इस लेक्चर में तुम्हें पता चल जाएगा। तो मान के चलते हैं इसके लिए मैं एक सर्किट बना लेता हूँ, ठीक है, मोटर का नॉर्मल सा डायग्राम है, ठीक, और तीन कंडक्टर ले लेते हैं, 1 2 3 नॉर्थ की तरफ और तीन कंडक्टर साउथ की तरफ ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो हमने क्या करा है, नेक्स्ट स्टेप है कि अब मान लेते हैं मैंने फील्ड फ्लक्स IF को ऑन करा तो नॉर्थ साउथ आ गया, अब आर्मेचर को ऑन करूंगा IA और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मान लेते हैं इस तरफ के से ले लेते हैं, ठीक, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है। तो यहाँ पे मान के चलते हैं अगर क्रॉस आ गया इस तरीके से और यहाँ पे डॉट आ गया, ठीक है, ये आ गया डॉट, ओके। तो अब जरा देखो नॉर्थ, अगर तुम मैक्सवेल का राइट हैंड रूल लगाओ तो अगर कहीं पे भी क्रॉस होता है, ठीक है, कहीं पे क्रॉस होगा तो डायरेक्शन ऑफ जो फील्ड फ्लक्स जो बनेगा, सॉरी डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स जो होगा इस करंट के अक्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या है, करंट क्या एंटर कर रही है अंदर, मतलब लेक्चर की जैसे तुम अगर स्क्रीन पे देख रहे हो तो स्क्रीन के अंदर की तरफ करंट जा रही है, तो जो थंब है तुम्हारा अगर वो क्रॉस को दिखा रहा है तो जो तुम्हारी फिंगर होंगी मैक्सवेल के राइट हैंड रूल के हिसाब से वो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स बताएंगी, और जो कि किस तरीके आएगा, जो कि आएगा तुम्हारा क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ये तुम्हारा क्लॉकवाइज आ गया। तो डायरेक्शन अगर मान लेते हैं क्रॉस है और ये क्लॉकवाइज आ गया इस तरीके से, तो ये मैं बना देता हूँ तीनों पे, क्लियर है। अच्छा डॉट का क्या मतलब होता है, डॉट पे अगर मैक्सवेल का राइट हैंड रूल लगाओगे तो ये तुम्हारा डॉट का मतलब होता है करंट बाहर आ रहा है, तो वहां पे जब राइट हैंड रूल लगाओगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा, इस तरीके से करके देख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज ये। अगर आपको मैक्सवेल का राइट हैंड रूल में डाउट है तो इसके लिए मैंने लेक्चर बना रखा है, बेसिक एलिमेंट की सीरीज जाके चेक कर सकते हो मेरी, ठीक है। तो ये डायरेक्शन आ गई डॉट के क्रॉस, ठीक है, क्लियर हुआ है। अब जरा देखते हैं कि फील्ड फ्लक्स पे क्या असर पड़ेगा। तो देखो फील्ड फ्लक्स पे अगर बात करी जाए फील्ड फ्लक्स की, तो फील्ड फ्लक्स यहां से शुरू होगा मान लेते हैं ये यहां से, ठीक, और वो फील्ड फ्लक्स शुरू होते होते नॉर्मल जो मतलब प्रीवियस कंडीशन थी उसे इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे करंट है, ये फील्ड है, और अब फैराडे बता चुके हैं कि दो फील्ड लाइन्स आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती, तो ये क्या करेगा, शिफ्ट हो जाएगा फील्ड फ्लक्स कुछ इस तरीके से जाएगा, ये इस जो आर्मेचर करंट था उसका जो आर्मेचर फ्लक्स था फाई ए उसके कारण ये अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा यहाँ से, और उसके बाद इस तरीके से जाएगा और इस कंडक्टर यानी कि साउथ के सामने का जो कंडक्टर है इसके फील्ड करंट, इसके आर्मेचर करंट के कारण जो फ्लक्स बनेगा ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसी कारण ये डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाएगा और ये देन दिस वन इज द एंटर। तो देखो अब क्या हुआ है, जो पहले ओरिजिनल केस था, ओरिजिनल केस में क्या था, इस तरीके से जा रही थी लाइन, लेकिन आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या हुआ है, अब फील्ड लाइन क्या है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ नीचे शिफ्ट हो गई है। तो जरा इसकी जल्दी से एक्सिस बना लेते हैं, अगर ऐसा कुछ केस है तो MNA एक्सिस, प्रीवियस केस में MNA एक्सिस कुछ इस तरीके से थी, सेंटर से पास हो रही थी, लेकिन अब इस केस में यानी कि नई जो MNA होगी वो कहां जाएगी, परपेंडिकुलर टू दिस, तो यानी कि ये हुई परपेंडिकुलर पॉइंट, तो MNA न्यू पोजीशन, ठीक है, MNA न्यू, ये हो गई न्यू और ये MNA ओल्ड, क्लियर हो रहा है। तो देखो अब जो नई MNA है वो क्या है, इधर की तरफ शिफ्ट कर गई है, तो दिस वन इज द शिफ्टिंग ऑफ MNA, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट हुआ, ठीक है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट समझ में आ गया होगा कि जब भी फील्ड फ्लक्स खराब होगा तो उसे हम कहेंगे कि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, तो डिस्टॉर्शन ऑफ फील्ड फ्लक्स इज नोन एज क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कारण क्या हुआ, फील्ड फ्लक्स खराब हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, वो सीधे सीधे जाने की जगह टेढ़ा मेढ़ा होकर जाने लगा, तो उसके जो डिस्टर्ब होने से जो परपेंडिकुलर एक्सिस थी वो क्या होगी, वो भी चेंज होगी। तो ये जो चेंज होती है, ये जो शिफ्टिंग हुई, इसको हम लोग कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ MNA, क्लियर हो गया होगा। अच्छा ये तो शिफ्टिंग हो गई MNA की, अब अगला टॉपिक आता है, ओके, अब मैंने ये कहा कि फ्लक्स के शिफ्ट होने, फील्ड फ्लक्स के शिफ्ट होने से MNA शिफ्ट हो जाएगी, बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया कि जनरेटर होगा तब क्या होगा और मोटर होगी तब क्या होगी, क्या दोनों में डायरेक्शन ऑफ MNA किधर शिफ्ट होगी, डायरेक्शन ऑफ MNA जो है शिफ्टिंग की वो किस तरफ होगी अगर हम जनरेटर ले रहे हैं अगर मोटर ले रहे हैं, तो जरा उसको भी समझ लेते हैं। इस केस के लिए मैं दोनों एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास नॉर्थ साउथ है और ये मैंने लिया है मोटर, ले लेता हूँ सॉरी जनरेटर, एक पहला एग्जांपल जनरेटर ले रहा हूँ, ठीक है। सेकंड केस ले लेते हैं, सेकंड केस मेरे पास नॉर्थ साउथ अगेन मैंने बना दिया है, ठीक, और ये रोटर है और इसको मैं मोटर ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अगेन कंडक्टर ले लेते हैं, तीन तीन कंडक्टर जैसे कि पहले वाले केस में लिए थे। बहुत ध्यान से समझना इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, गेट में भी बहुत बार आया हुआ है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ES गेट में, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना, समझाता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। तो देखो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मान के चलते मैंने दोनों की सेम ले रखी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो डिफरेंस आ जाता है, जो मेन कारण है, जो मुद्दा है जिसकी वजह से ये वेरी कर जाएंगे, उसका रीजन है रूल्स का, रूल्स, तो ठीक है रूल्स की बात कर लेते हैं। अगर रूल की बात करोगे तो मोटर के अंदर तुम्हारा लगेगा, मोटर के अंदर कौन सा रूल लगेगा, इसके अंदर लगेगा फ्लेमिंग्स का
लेफ्ट हैंड रूल लगता है, याद है तुम्हें, ये मैं बता चुका हूँ। और जनरेटर में कौन सा लगता है, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लगता है, ये भी क्लियर है। तो यहाँ जनरेटर के अंदर क्या हुआ, राइट हैंड रूल लगेगा और मोटर के अंदर लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। तो यहीं से सारी चीज़ें हैं जो होंगी वो वेरी कर जाएंगी, बहुत ध्यान से देखना। अगर तुम राइट हैंड रूल लगाओगे तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन तुम्हें पता है, ठीक है, यानी कि अगर यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर खड़े हो जाओ तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, अपवर्ड की तरफ है, ठीक, यानी कि थंब। डायरेक्शन ऑफ फील्ड फ्लक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल है, यानी फर्स्ट फिंगर। तो मिडिल फिंगर तुम्हारी क्या आ जाएगी, क्रॉस आ जाएगी, इनवर्ड की तरफ शो करेगी, तो यहां क्रॉस आ गया, ठीक, और यहां पे आ जाएगा डॉट, लगा के देख सकते हो। अच्छा, इस केस की बात करें, अगर मोटर केस में यहां पे लगेगा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, तो भाई यहां पे भी अगेन डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी फर्स्ट फिंगर है, डायरेक्शन ऑफ मोशन तुम्हारा कौन दिखाएगा, थंब। तो डायरेक्शन ऑफ करंट यानी सप्लाई करंट जो वो कैसे शो करोगे, वो तुम्हारी मिडिल फिंगर। तो यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली क्या है, यहां पे मिडिल फिंगर बाहर की तरफ शो करेगी, यानी कि डॉट आ जाएगा और ये आ जाएगा क्रॉस, क्लियर हो रहा है। तो देखो, मोटर और जनरेटर में सेम डायरेक्शन अगर मोशन की तुम मेंटेन रखोगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट ये जो है, यानी कि पोलैरिटी ऑफ करंट जो है वो रिवर्स हो जाएगी, सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, इसके अंदर जो करंट होगा आई, आर्मेचर करंट, वो कौन सा करंट होगा, वो होगा आई जनरेटेड, यानी कि जो इंड्यूस्ड करंट हो रहा है। इसके अंदर जो आई आर्मेचर करंट होगा वो कौन सा होता है, सप्लाई करंट, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि ये सप्लाई से आ रहा है और ये इंड्यूस्ड हो रहा है, दोनों में डिफरेंस है, क्लियर हो रहा है। तो ये इंड्यूस्ड होगा और ये सप्लाई से आएगा, ठीक। अब देखते हैं जल्दी से, तो अगर इन दोनों केसेस को बड़े ध्यान से और डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स बनाओ इस कंडक्टर के अक्रॉस, तो ये कंडक्टर फ्लक्स इस तरीके से बनेगा, मैक्सवेल का राइट हैंड रूल, एंड दिस वन इज डाउनवर्ड, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, डॉट के अक्रॉस एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, और क्रॉस के अक्रॉस क्लॉकवाइज, क्लियर हो रहा है। अब हम जल्दी से ड्रॉ करेंगे अपना फील्ड फ्लक्स, यानी कि फील्ड फ्लक्स देखते हैं कैसे जाएगा इस पूरे सबको देखते हुए, कि अगर हमारे पास सब इस तरीके से। तो देखो, अब यहां देखो ये अपवर्ड शिफ्ट कर रहा है, तो यहां से फील्ड फ्लक्स ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, अपवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं, फील्ड फ्लक्स को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। तो यहां जाएगा, देन इसके बाद एंटर करेगा, ये सारे के सारे डाउनवर्ड पुश कर रहे हैं, तो सीधे ना जाके क्या होगा, ये डाउनवर्ड जाके इस तरीके से एंटर करेगा, क्लियर हो रहा है, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, अब इसकी बात कर लेते हैं, अगर ये वाला मोटर वाला केस ले लेते हैं, देखो इसमें क्या हो रहा है, ये डाउनवर्ड पुश कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अंदर यहां से जो फ्लक्स निकलेगा उसके सामने जितने भी कंडक्टर हैं वो उसे डाउनवर्ड पुश कर रहे हैं, तो ये फ्लक्स इस तरीके से मूव कर जाएगा, बेंड कर जाएगा नीचे की तरफ, देन ये अपना रास्ता सीधा सीधा कवर करेगा। अब देखो, ये सारे के सारे कंडक्टर क्या कर रहे हैं, अपवर्ड पुश कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से अपवर्ड पुश करके फिर एंटर करेगा, क्लियर हो रहा है यहां पे। तो देखो, यहां पे क्रॉस वाले अपवर्ड पुश करेंगे तो ये ऊपर की तरफ इस तरीके से निकलेगा, ठीक, समझ में आ गया होगा। तो देखो, ये वाले जो क्रॉस होंगे वो क्या करेंगे, अपवर्ड पुश करेंगे। तो देखो, डायरेक्शन ऑफ जो डिस्टॉर्शन है वो एकदम दोनों की अपोजिट है, यानी कि अगर बात की जाए जनरेटर की, तो उसमें जो शिफ्टिंग हो रही नॉर्थ के पास वो ऊपर की तरफ हो रही है, जबकि मोटर की बात की जाए तो मोटर में जो फ्लक्स की शिफ्टिंग है, फील्ड फ्लक्स की, वो डाउनवर्ड है, ठीक। अब बात करते हैं एमएनए पे क्या असर पड़ेगा, भाई मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस का क्या हाल चाल है, जरा उसको देख लेते हैं। तो पहले एमएनए यहां पे थी, सेंटर से पास हो रही थी, सेंटर से पास हो रही थी, अब जो शिफ्ट होगी, तो देखो इसके अगर ये तुम्हारी एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर कौन सी हुई, इसके परपेंडिकुलर ये वाली एक्सिस हुई, तो यानी कि ये तुम्हारी आ गई एमएनए न्यू, क्लियर हो रहा है। इसमें बात कर ले तो देखो, इसकी परपेंडिकुलर ये आ गई, ठीक, तो ये तुम्हारी आ गई, ये तो हुई परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगी तुम्हारी एमएनए शिफ्टेड, क्लियर हो रहा है। तो मोटर के केस में जो एमएनए शिफ्ट होगी वो अपोजिट टू द डायरेक्शन शिफ्ट होगी, जबकि जनरेटर केस में जो एमएनए शिफ्ट हो रही है वो इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन शिफ्ट हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान से समझ लेना। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आपको कंक्लूड कर देता हूं, ये जितना भी समझाया, आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक। तो जरा देखते हैं कि अगर हम लोग क्या क्या ले लेते हैं तो उससे क्या क्या असर पड़ेगा, जल्दी से देखते हैं। तो अगर मैंने मोटर ली है, अगर मेरे पास मैं मशीन है मोटर और वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, एक मैंने लिया है जनरेटर जो कि अगेन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ये है उसका, तो अब बात कर लेते हैं एमएनए पे क्या असर पड़ेगा। तो एमएनए जो होगी वो सेंटर से मोटर केस में अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट हो जाएगी, ये हो गई एमएनए, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए। और जनरेटर के केस में जो एमएनए शिफ्ट होगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन शिफ्ट होगी, ये हो गई एमएनए, क्लियर हो रहा है। तो अगर तुम जनरेटर लेके आओगे मार्केट से, अगर उसमें तुमने आर्मेचर रिएक्शन कारण एमएनए जो शिफ्ट होगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन शिफ्ट होगी, जबकि अगर बात की जाए मोटर की तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन शिफ्ट होगी, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक, ओके। नाउ बात कर लेते हैं पोल फ्लक्स पे क्या असर पड़ेगा बहुत जल्दी से। तो देखो, एक कोई केस ले लेता हूं मैं इसको समझाने के लिए, ठीक, ये नॉर्थ साउथ अगेन, ठीक, सेम मैंने स्ट्रक्चर लिया हुआ है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ये ले ली है, ध्यान से देखना इसको, बहुत ध्यान से। ये मैं डायग्राम बार बार इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोग
को समझ में आ जाए किस तरीके से हम लोग बनाते हैं, और डायग्राम बार बार बनाने से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए, इससे समझने में बहुत आसानी होगी, रटने की ज़रूरत नहीं है इसको। सारी चीज़ें आप डीसी मशीन में कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं, तुम इजीली सीख सकते हो। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने ये बता रखा था नॉर्थ के साथ क्या हो रहा था, पोल फ्लक्स इस तरीके से शिफ्ट हो रहा था, देन डॉट के कारण ये जा रहा था एंड ये जा रहा था। अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि नॉर्थ ये वाला जो सिस्टम है, यानी कि अगर बात की जाए पोल फ्लक्स की, तो जनरली क्या होता है अगर नॉर्थ साउथ नॉर्मल केस ले लेते हैं तो उसमें नॉर्थ यहाँ पे साउथ ही, और ये डायरेक्ट डायरेक्ट फ्लक्स सीधा सीधा जा रहा होता है यूनिफॉर्मली, लेकिन आर्मेचर रिएक्शन कारण क्या हो रहा है, फ्लक्स तुम्हारा इस तरीके से, ये जो तीन लाइनें सीधी सीधी जा रही थी वो सीधी ना जाके इस तरीके से बेंट होके जाने लगेंगी। तो अब देखो तुम्हारे सामने है, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, आपके सामने है सारी सारी फ्लक्स लाइन, इसमें क्या हो रहा है इस एंड पे देखो इकट्ठी हो गई हैं, ध्यान से देखो। और इस केस में यानी कि साउथ की बात की जाए तो देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इकट्ठी हो गई, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो इनको लिए यानी कि एक नॉर्थ में क्या हो रहा है, पोल के अपर पार्ट में इकट्ठी हो गई हैं, और साउथ में क्या हो रहा है, साउथ में पोल के लोअर पार्ट में सारी फ्लक्स लाइन इकट्ठी हो गई हैं। इसको हम लोग कहते हैं यानी कि इसको हम लोग कहते हैं फ्लक्स की वीकनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग होना। तो अगर बात की जाए, अगर मान लेते हैं मैं इस पोल को दो पार्ट्स में तोड़ दूं, यहां से ब्रेक मान लेता हूं, तो देखो अपर पार्ट जो है वो तुम्हारा क्या हो रहा है, फ्लक्स के कारण क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ हो रहा है, यानी कि उसका फ्लक्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही है। ये पार्ट क्या हो रहा है, स्ट्रेंथनिंग, वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथनिंग, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्लक्स स्ट्रेंथनिंग हो रहा है, और यहाँ पे बात की जाए तो ये वाले पार्ट की, सॉरी लोअर पार्ट की बात की जाए इस पार्ट की, तो यहाँ क्या हो रहा है, फ्लक्स वीकनिंग, मतलब कमजोर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लक्स कम वीक हो रहा है और यहाँ पे फ्लक्स स्ट्रांग हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली, अच्छा अगर नॉर्मली बात की जाए तो देखो दोनों पार्ट में बराबर की फ्लक्स लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड रहती थी, ऊपर भी देखो एक लाइन है, एक लाइन नीचे है और एक बीच में, तो यूनिफॉर्मली फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट रहता था। लेकिन क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कारण क्या हुआ कि फ्लक्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना होकर सर्टेन पार्ट में इकट्ठा हो जाएगा और सर्टेन पार्ट से हट जाएगा। तो जहां से हटेगा वहां फ्लक्स वीक हो जाएगा, और जहां पे जाके कलेक्ट होगा फ्लक्स वो हो जाएगा फ्लक्स की स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ पे? अच्छा, इसके लिए एक वर्ड कहा जाता है, उस वर्ड को बता दे रहा हूं। तो इसके लिए वर्ड कहा जाता है ट्रेलिंग एज, इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रेलिंग एज, क्लियर। और एक होता है लीडिंग एज, लीडिंग एज, ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लीडिंग एज का क्या मतलब, लीडिंग एज को टिप भी कह सकते हैं। तो देखो लीडिंग टिप और ट्रेलिंग टिप कौन सी होती है, इसको समझ लो बहुत ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ। ये मान के चलना एग्जाम में इसके आने की प्रोबेबिलिटी 90% रहती है, किसी भी अच्छे एग्जाम में इस पे क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखो अगर तुम्हारे पास इस तरीके का पोल है, ठीक है, नॉर्थ साउथ लिख देते हैं, और ये तुम्हारा रोटर है, और रोटर मान लेते हैं इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर तुमसे कहा जाए तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक, तुम इस रोटर के साथ साथ चलोगे, तो जिस टिप पे तुम पहले नजर पड़ेगी तुम्हारी, यानी कि जो टिप पहले पास होगा तुम्हारे सामने से, या जिस टिप के अंदर, यानी कि अगर ये मान लो तुम रहने दो, तुम्हारी यहाँ कंडक्टर रख दूं, तो कंडक्टर जब पास होगा तो सबसे पहले यहाँ पे एंटर करेगा, देन इस वाले पार्ट पे एंटर करेगा, क्लियर हो रहा है, इस वाले एंड से निकल जाएगा। ठीक, तो जिससे एंटर करोगे वो जाएगा लीडिंग टिप, ये हो गई लीडिंग टिप, क्लियर हो रहा है। तो देखो क्यों लीडिंग टिप, क्यों, क्योंकि ये कंडक्टर जब एंटर करेगा इस पूरे नॉर्थ पोल के अंदर, तो जिस पार्ट से एंटर करेगा वो लीडिंग टिप हो गई, या लीडिंग एज कह सकते हैं, और लीडिंग एज, इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना, लीडिंग एज, क्लियर हो रहा है। और जहां से ये निकलेगा, यानी कि जब तुम निकल रहे हो, तुम जिसे जिस एंड से छोड़ रहे हो, ये कौन सा हो जाएगा, ट्रेलिंग एज, ये हो जाएगा तुम्हारा ट्रेलिंग एज, क्लियर हो रहा है। अच्छा, अगर साउथ पोल की बात करिए तो देखो अगर तुम यहाँ खड़े हो, तुम आगे बढ़ोगे, तो देखो सबसे पहले तुम्हें ये वाला पॉइंट फेस करना पड़ेगा, तो ये अगेन ये कौन सा हो जाएगा, लीडिंग टिप, ये लीडिंग टिप हो गई, या लीडिंग एज कह सकते हैं। और यहाँ से जब तुम ये लास्ट वाला है, यहाँ से तुम निकलोगे, तो ये वाला लास्ट एज होगा, इसे हम कहेंगे ट्रेलिंग एज, ट्रेलिंग एज, क्लियर हो रहा है। यहाँ पे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यानी कि देखो जब तुम नॉर्थ पोल के अंदर एंटर करोगे, तो जो पहला कोना जो होगा, जो तुम्हें दिखेगा पोल शो का, उसको तुम कहोगे लीडिंग कोना है, यानी लीडिंग एज हो गया। और जिस कोने से तुम बाहर निकलोगे, यानी कि जब तुम बाहर कर रहे होगे, मतलब नॉर्थ पोल से कंडक्टर फ्लक नॉर्थ पोल के पार जा रहा होगा, बाहर निकल गया होगा, तो जो लास्ट कोना तुम्हें दिखेगा या लास्ट एज जो तुम्हें दिखेगा वो हो जाएगा ट्रेलिंग एज, क्लियर हो रहा है। तो ये अच्छा, अब ज़रा देख लेते हैं, अगर इस टर्म में, ये जो टेक्निकल टर्म मैंने तुम्हें बताई लीडिंग और ट्रेलिंग, उसको अगर कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई किया जाए तो जरा वो कैसे वर्क करेगा। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट था, देखो जब तुम्हारा मोटर रोटेट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहां पे क्या हुआ, ये कहलाएगा तुम्हारा ट्रेलिंग एज, क्लियर हो रहा है, और ये कहलाएगा लीडिंग एज, क्लियर है। तो यानी कि अगर बात की जाए जनरेटर, अगर मान लेते हैं ये जनरेटर है मेरे पास, जनरेटर में ही मैंने बताया था तुम्हें, देखो यहाँ देख सकते हो यही तो था। तो अगर बात की जाए तुम्हारी जनरेटर की, तो जनरेटर में क्या हो रहा है, जनरेटर के केस में जो तुम्हारा MNA है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही थी, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन शिफ्ट हो रही थी। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो तुम्हारा लीडिंग एज है, यानी कि ये लीडिंग एज है, ये क्या होगा, वीक हो जाएगा,
ठीक, देखो ये लीडिंग एज है, ये वीक हो गया, यहाँ पे सारा फ्लक्स कंसंट्रेट नहीं है। देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर डायरेक्शन, अगर ये जनरेटर है तो जनरेटर में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में एमएनए शिफ्ट हो रही है। देखो ये आ गई तुम्हारी एमएनए, ठीक, तो जनरेटर में एमएनए की डायरेक्शन शिफ्ट हो रही है, तो फ्लक्स कहाँ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये कौन सा ट्रेलिंग एज है। तो इंपॉर्टेंट चीज, अगर इसको कॉन्क्लूड करूँ, ये जितना भी मैंने तुम्हें बताया है, ठीक, इसको देख लेते हैं जल्दी से। तो अगर आपका जनरेटर है, अगर जनरेटर है तो क्या होगा, पहला पॉइंट एमएनए जो होगी, एमएनए वो किस डायरेक्शन शिफ्ट होगी, इन, वो शिफ्ट होगी किसमें, इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। क्लियर हो रहा है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तुमने जनरेटर लिया हुआ है तो वहां पे क्या होगा, जो ट्रेलिंग एज है, ट्रेलिंग एज वो क्या होंगे, वो स्ट्रेंथनिंग हो जाएंगे, यानी कि वो स्ट्रांग हो जाएंगे। वहां पर ट्रेलिंग एज का जो फ्लक्स है वो स्ट्रांग होगा, और जो लीडिंग एज है, लीडिंग टिप, इनका जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स वो वीक हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। वहीं पे अगर तुम मोटर ले लोगे, मोटर, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट रिवर्स हो जाएंगे, दोनों के दोनों पॉइंट रिवर्स हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है, ये तीसरा ले लेते हैं। तो मोटर केस में क्या होगा, जस्ट अपोजिट टू जी, यानी कि जनरेटर केस के जस्ट अपोजिट, यानी कि एमएनए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के अपोजिट शिफ्ट होगी, और जो फ्लक्स की स्ट्रेंथनिंग है वो क्या होगा, लीडिंग एज, यानी कि ये तुम्हारा लीडिंग एज है, यहाँ पे होने लग जाएगी, और जो ट्रेलिंग एज है वहाँ पे वीकनिंग होने लग जाएगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो आई होप ये लेक्चर तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक, अब जल्दी से बात करते हैं कि इफेक्ट क्या हुआ। ठीक है, अगर लास्ट टॉपिक की बात कर ली जाए कि एक्चुअल में क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के कारण जो मतलब क्रॉस मैग्नेटाइजेशन हुआ उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो इफेक्ट क्या होगा, सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो होता है तुम्हारा स्पार्किंग एट ब्रश। तो ये चीज मैं तुम्हें पुराने लेक्चर में बता चुका हूँ, ब्रश की पोजीशन वाला, आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं, कि जब भी एमएनए शिफ्ट होगी तो ब्रश पे क्या होगा, स्पार्किंग होने लगेगी। क्यों होगी, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, और एमएनए शिफ्ट क्यों हो रही है, वो हो रही है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट के कारण। क्लियर है। सेकेंड चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि जब भी क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होगा तो एक पोल का पर्टिकुलर पार्ट जो होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा, और एक पर्टिकुलर पार्ट जो होगा वो वीक हो जाएगा। कौन सा पार्ट स्ट्रांग होगा और कौन सा पार्ट वीक होगा, इट डिपेंड्स ऑन द मोटर ले रहे हो कि जनरेटर ले रहे हो, सिंपल सी चीज है। अगर आपने मोटर लिया है तो उसका एक पर्टिकुलर पार्ट स्ट्रांग होगा, जनरेटर लिया है तो उसका दूसरा पार्ट स्ट्रांग होगा। क्लियर हो रहा है, और वो मैं यहाँ पे बता चुका हूं कि अगर ये लास्ट मैंने लिख ही दिया था बल्कि, कि अगर तुम ले रहे हो जनरेटर ले रहे हो तो उस केस में क्या होगा, जनरेटर में एमएनए तुम्हारी डायरेक्शन रोटेशन शिफ्ट होगी, तो ट्रेलिंग एज जो तुम्हारा होगा वो तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा, जबकि लीडिंग टिप जो होगी वो वीक हो जाएगी। और मोटर में एमएनए अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन शिफ्ट होगी, तो जो ट्रेलिंग एज होगा वो वीक हो जाएगा, और लीडिंग एज जो होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक, लीडिंग और ट्रेलिंग एज भी मैंने बता दिया। तो जल्दी से इसको लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले मैंने तुम्हें क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट बताया। तो देखो, आर्मेचर रिएक्शन को दो कैटेगरी में बांटा गया था, एक था क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, एक होता है डी मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। ये लेक्चर क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का है। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ, कि जब भी आर्मेचर फ्लक्स के कारण फील्ड फ्लक्स खराब होगा, डिस्टॉर्ट होगा, शिफ्ट होगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। ठीक है, अब एमएनए पे क्या एक्सिस पर इफेक्ट पड़ता है, तो मैंने ये बता दिया तुम्हें कि जब भी क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट के कारण फील्ड फ्लक्स शिफ्ट होगा, फील्ड फ्लक्स की एक्सिस शिफ्ट होगी, तो एमएनए जो होती है वो सिंपल सा परपेंडिकुलर होता है फील्ड फ्लक्स एक्सिस पे। तो जब एमएनए, जब फील्ड फ्लक्स शिफ्ट होगा तो एमएनए भी शिफ्ट हो जाएगा। अब यहां पे केस आया कि भाई मोटर और जनरेटर में किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, या दोनों में सेम, तो उसका आंसर मैंने बताया कि अगर तुम बात करोगे जनरेटर की तो इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन शिफ्ट होगे। ठीक है, ये मैंने यहां क्लियर बताया कि डायरेक्शन, अगर जनरेटर की बात करोगे तो उसमें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में एमएनए शिफ्ट होगी, मोटर की बात करोगे तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन शिफ्ट होगी। पोल फ्लक्स की हमने देखा कि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट कारण क्या होता है, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि एक पूरे पोल टिप की बात करें, नॉर्थ पोल की, तो सर्टेन एरिया में फ्लक्स लाइन इकट्ठी हो जाएंगी और सर्टेन एरिया से चली जाएंगी। तो जहां इकट्ठी होंगी उसे हम, इस प्रोसेस को हम कहेंगे स्ट्रेंथनिंग, और जहां से फ्लक्स लाइन चली जाएंगी उसको हम कहेंगे वीकनिंग फ्लक्स की। दो पॉइंट बताए मैंने, यानी कि ट्रेलिंग एंड लीडिंग टिप भी मैंने तुम्हें बता दिया। तो ये इसमें क्या था कि जिस, अगर मान लेते हैं आप एक कंडक्टर हो, तो कंडक्टर जिस भी पोल के अंदर एंटर करेगा, तो जो पहला एज उसे दिखेगा वो लीडिंग टिप होगी, और जिस एज से वो बाहर निकलेगा वो ट्रेलिंग एज हो जाएगा, ट्रेलिंग टिप हो जाएगी। क्लियर हो रहा है यहां पे। तो यहां पे मैंने इससे टेक्निकल टर्म में बताया कि यहां पे, कि अगर ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन की बात की जाए, तो इस केस में, ये इस पर्टिकुलर केस में, तो ये ट्रेलिंग एज है, ट्रेलिंग एज में फ्लक्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही है, और जो लोअर पोर्शन है यानी कि लीडिंग एज, इसके अंदर फ्लक्स की वीकनिंग हो रही है। लास्ट में मैंने इस पूरे सिस्टम को तुम्हें कंक्लूड करा कि अगर जनरेटर है तो उसमें एमएनए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन शिफ्ट होगा, और जो स्ट्रेंथनिंग होगी वो ट्रेलिंग एज की होगी, और लीडिंग
टिप जो होंगे वो वीक हो जाएगा वहाँ फ्लक्स, ठीक है। वहीं पे अगर मोटर है तो जस्ट अपोजिट टू जनरेटर, यानी कि एमएनए इन द रोटेशन, जो एमएनए की शिफ्टिंग होगी वो डायरेक्शन ऑफ अपोजिट होगी डायरेक्शन रोटेशन के, और इस केस में ट्रेलिंग एज जो होगा वो वीक होगा और लीडिंग एज जो होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? लास्ट में बिल्कुल एंड में मैंने बताया कि दो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट कारण। पहली प्रॉब्लम आती है स्पार्किंग ऑफ ब्रशेज, और मैंने ये बता रखा है कि जो ब्रश की स्पार्किंग है वो ड्यू टू द एमएनए के शिफ्टिंग कारण होती है। सेकंड पॉइंट स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग ऑफ फ्लक्स, यानी कि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कारण एक सर्टेन पोर्शन, पूरा का पूरा जो फ्लक्स है नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे, वो यूनिफॉर्म ना रह के थोड़े एरिया में स्ट्रांग हो जाएगा, थोड़े एरिया में वीक हो जाएगा। ठीक, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन को इसमें मैंने कवर किया आर्मेचर रिएक्शन का जो पार्ट है, और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जल्दी आपके सामने लेके आता हूँ, उसमें डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट की बात करूंगा जो कि दूसरा पार्ट है आर्मेचर रिएक्शन का। ठीक है, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।